फ़ोन में 300 से भी ज़्यादा वीडियोस मैं रखा हूँ, फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल हो चुका है। मैं वीडियो अपलोड करने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अभी यूट्यूब में मैं वीडियो का भी अपलोड थोड़ी देर बाद ही कर पाऊँगा, कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। 300 से भी ज़्यादा वीडियो मेरे फ़ोन में है। तो यहाँ पर देखो मैंने बनाया ही है, देखो गाइज। तो गाइज बाहर बहुत बारिश हो रहा है, मेरे घर में तो इन्वर्टर है और मैं जो इन्वर्टर चलाता हूँ, देखो गाइज इस तरह का लिथियम आयन का जो पैकेजिंग है, ऐसा मेरे पास 10 से 15 पैकेजिंग है, तो मैं इन्वर्टर के थ्रू चलाता हूँ अपने घर का पूरा बिजली। तो यहाँ पे देखो गाइज ये जो है काफ़ी मस्त बन चुका है, बैक फॉरवर्ड यहाँ पर मेरे ग्लूगन इंस्टेंट ग्लू सब अच्छे से यूज कर पाता अगर मैं अपने स्टूडियो में चला जाता। ठीक है गाइज, किचन में ही काम करना पड़ा है, इस पर मैं अपना फ़ोन देके भी कर चुका हूँ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल पे, मेरे बहुत प्रॉब्लम है और अगर इसको बड़ा करना चाहते हो इसको, तो यहाँ पे देखो ये जो पीवीसी पाइप का जो ये शेप होता है मोटाई वाला, इस पर आप कोई भी पीवीसी पाइप का टुकड़ा ऐड कर सकते हो गाइज। देखो गाइज मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप का टुकड़ा ऐड कर देता हूँ, ठीक है गाइज। कितना दूर से कितना तेज, मतलब तगड़ा सेल्फी ले सकते हो भाई, छत के ऊपर से सेल्फी ले सकते हो। और इसको अपने हिसाब से ये वाला पाइप आप रख सकते हो, ये जो नीचे वाला पाइप पे आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा रख सकते हो स्कूल बैग के अंदर, फिर पिकनिक विकनिक में जाओगे तो आप कर सकते हो गाइस। ये देखो कितना मस्त है, चार्जिंग सर्किट इसके पीछे यहाँ पे लगा है और लिथियम आयन बैटरी भी यहीं पे लगा है। 54-55 गियर मोटर लगाया है, काफी तगड़ा गियर मोटर है, N20 या फिर वैसा छोटा मोटा गियर मोटर हमने नहीं लगाया है, काफी तगड़ा है और मल्टी फोन आप यूज कर सकते हो। तो पूरा वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगा, देखो गाइस यहाँ पर मैंने इस टाइप का बीटअप भी रखा है, देखो ताकि आप अपना फोन मल्टी, ये देखो खींचे इसको मैं अच्छे से भी अच्छा फिनिशिंग कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बाहर बहुत बारिश है पश्चिम बंगाल में, और शिलावृष्टि जो बोलते हैं बंगाल में, यानी वो पत्थर गिरते हैं ना बर्फ़ का टुकड़ा वही गिरता है बाहर। तो यार गाइज इसमें हम एलईडी लाइट से सब कुछ लगा देते हैं और मेरा चैनल में काफ़ी दिक्कत है, देखो बाहर बारिश हो रहा है पूरा गीला गीला हो गया है। और गाइज इसका कनेक्शन अगर सीधी भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं फुल वीडियो अपने चैनल में डाल दूंगा, 3.7 वोल्ट का बैटरी का पॉजिटिव चार्जिंग के पॉजिटिव के साथ लगा दिया हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जिंग मॉड्यूल के साथ लगा दिया हूँ, पॉइंट के साथ पॉइंट, फिर बहुत सारा आउटपुट निकाला हूँ जो कि आ गया है सीधा स्विच के 6 पिन वाले बैंड स्विच में। ठीक है, अब बैंड स्विच के दोनों मिडिल वाले पॉइंट पर मैंने लगा दिया हूँ बैटरी का वायर, और फिर इसका मैं हमने क्रॉस कनेक्शन कर दिया है, यानी ऊपर का जो दो पॉइंट है वो आपस में नीचे आकर ऐसा पलट जाएगा और मिडिल के पॉइंट में बैटरी, फिर कहीं से भी एक पॉइंट से मैंने दो वायर कनेक्ट करके निकाल लिया है, जो मैं आगे से निकाला हूँ यहाँ से नहीं यहाँ से, और ये मैं मोटर के दो किसी भी पॉइंट में मैंने कनेक्शन कर दिया है, तो आगे पीछे आराम से होगा। और इसको बनाने के लिए मैं अपने मोबाइल का जो एक पॉइंट लिया हूँ होल्डिंग, उसका मार्क करके मैं ऐसे टेढ़ा कर लिया हूँ, देखो यू टाइप का कर लिया हूँ दोनों तरफ से, और फिर इसको फिक्स्ड यू टाइप का कर लिया हूँ, इधर एक और इधर एक यू टाइप का किया हूँ, लेकिन ये मैंने किया हूँ रबर से। ठीक है गाइज वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, देखो यहाँ पर रबर से, और यहाँ पर मैं देखो गाइज यहाँ पे देखो मैं एक झापट टाइप का बना लिया हूँ, देखो यहाँ पर देखो एक कट टाइप का है, देखो ये देखो गाइज आप देख सकते हो ना यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे आकर अटक जाएगा, देखो दो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है ताकि ये यहाँ पे आके अटक जाए तो अपना फ़ोन फिक्स्ड हो जाए। यहाँ पे एक यू टाइप का मैंने करके देखो यहाँ से ग्लू के ग्लूगन से नहीं इंस्टेंट ग्लू से मैंने चिपका दिया हूँ, आप यहाँ पे ग्लूगन का एल लाइट का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास एल लाइट है या फिर एम सील जो भी आप बोलो दोनों ही है मेरे पास। और ये देखो जॉइंट हो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस कोने से जॉइंट किया गया है दोनों को, तो ये काफ़ी मस्त है काम करता। अभी मैं यहाँ पे तो ब्लू टेप लगा रहा हूँ, ये टेप मैं नहीं लगाता अगर मेरे पास ग्लू गन अभी मेरे स्टूडियो में होता है, यहाँ पे होता स्टूडियो में है ग्लू गन, तो ये काफ़ी मस्त। मेरे मोबाइल में 200 से भी ज़्यादा वीडियो है। तो गाइस बाहर काफ़ी नॉइज़ था, टीवी चल रहा था, असल में मैं इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर रेडी करके रखा हूँ, जो बोतल का कैप होता है इसमें ही मैं एम सील मोटर घिसा के, एम सील नहीं उसमें बॉन्डराइट में दे दिया हूँ ताकि काफ़ी तगड़ा पकड़ आ जाए, फिर हम इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएंगे। यह इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी, तो ये बैटरी मैंने कल रेडी किया है इलेक्ट्रिक साइकिल का, ऐसा तो मैं 5-6 रेडी करके अपने इन्वर्टर चलाता हूँ और एक फिर से रेडी कर लिया।
और अगर मोटर को 24 वोल्ट से भी चलाना पड़े तो हमारे जो तो स्प्रे मशीन का स्पीड कंट्रोलर होता है, हमने वो दो खरीद के लाया हूँ, सब रेडी कर चुका हूँ। मेरे मोबाइल में 200 से भी ज़्यादा वीडियो है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस। मेरे को मेरा इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना का बहुत है, मेरे मतलब फैमिली वालों को ही, तो मैं उधर भागम भाग कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये गाइस मोटर का ईसीजी कंट्रोलर और ईआईसी कंट्रोलर, दोनों कंट्रोलर ही मैं या फिर यूज करूँगा साइकिल में इलेक्ट्रिक करने के लिए। और मैंने खुद का एक ड्रोन बनाया है जो मेरे स्टूडियो में है, वो 1.5 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकता है, बहुत ही सस्ते में बन चुका है। मेरे पास एक पुराना रिमोट कंट्रोल कार था जिसका सर्किट में निकाल के मोटर का BLDC मोटर, ड्रोन का मोटर सेट कर चुका हूँ। फिर मैं रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा हूँ तो वो आसमान में उड़ भी रहा है। तो गाइस सब वीडियो आने वाला है, तो थोड़ी देर रुको, इंतज़ार करो, और मैं सब कुछ फुल नॉलेज के साथ बताने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पास है बेल आइकन को दबा दो, दबा कर शेयर करो वीडियो को, क्या बताओ, कमेंट भी करके ज़रूर जाना।